नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इसका मैंने अभी क्लासिफिकेशन दे दिया तुम्हें। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में था, अभी मैं पूरा बता दूंगा पीछे, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंट। एग्जांपल भी समझा दी थी इसकी, मेटल एक्सेस की, मेटल डेफिशिएंट की। मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंट। मेटल एक्सेस में दो थे, एनायन वैकेंसी, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। फिर मेटल डेफिशिएंट, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंट है ना। और मेटल डेफिशिएंट में तो एक ही पढ़ेंगे, जैसे तीन एफ ई टू प्लस हटे और दो एफ ई थ्री प्लस आ गए, इस टाइप का, सही ना। तो ये है मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट में, एनायन वैकेंसी, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन, ये दो मेनली पढ़ना में। तो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं? अगर डिफेक्ट्स क्रिस्टल में ऐसे हैं कि कैटायन और एनायन का रेशियो, कैटायन और एनायन का रेशियो सेम नहीं रहता है, कैटायन एनायन का रेशियो सेम नहीं रहता है, तो उसे बोलेंगे नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। 100 कैटायन थे, 100 एनायन थे, एक एनायन हट गया और उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कैटायन तो 100 ही है, एनायन कितने हो गए? 99। लेकिन न्यूट्रलिटी मेंटेन है, ये ध्यान रखना। तो यही है हमारा, अब रेशियो क्या है, पहले 100/100 1 था, अब 100/99 1 नहीं है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। न्यूमेरिकल मैंने इसके करा दी थे पहले, एफ ई 0.95 वो लिया था एग्जांपल में, वो स्टाइड स्ट्रक्चर कहते हैं जिसे, उस्टाइड, WUSTITE। तो न्यूमेरिकल हो चुके हैं इसके, अच्छे न्यूमेरिकल नहीं कराए हैं, हाँ सिंपल जो न्यूमेरिकल कराए हैं उसको जरूर कर लेना, नोट करना आप इसमें आगे। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में पहला आएगा मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस, और मेटल एक्सेस में भी कौन सा पढ़ेंगे हम, एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी में भी कैटायन एक्सेस में होगा, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन में, तो कैटायन है ही एक्सेस में। एनायन वैकेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा बोर्ड के अंदर, एनायन वैकेंसी यानी एनायन की क्या आएगी, वैकेंसी आएगी, एनायन की वैकेंसी आएगी। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं उसके अंदर, एनए प्लस सीएल माइनस, एनए प्लस सीएल माइनस, एनए प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। अल्कली मेटल हैलाइड्स के अंदर होता है ये, नोट कर लेना, लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, अल्कली मेटल हैलाइड्स के अंदर ये वाला डिफेक्ट आता है, एनायन वैकेंसी, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। ये क्वेश्चन आया बोर्ड में, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज फाउंड इन अल्कली मेटल हैलाइड्स, तो बोलेंगे नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, उसके अंदर मेटल एक्सेस और उसके अंदर एनायन वैकेंसी, एक वर्ड में लिखना है तो एनायन वैकेंसी लिखेंगे। एनायन वैकेंसी डिफेक्ट आता है अल्कली मेटल हैलाइड्स के अंदर, अल्कली मेटल हैलाइड्स के अंदर। अब इसमें क्या है, कोई भी एनायन हट जाएगा, जैसे मान लो ये हटा दिया मैंने, एक एनायन हटा दिया और उसके आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, एनायन हटा देंगे और उसके क्या आ जाएगा, ये आ गया एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये आ गया एनायन वैकेंसी डिफेक्ट, यही एनायन वैकेंसी डिफेक्ट है। मतलब दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय रिमूवल ऑफ एनायन फ्रॉम इट्स लैटिस साइड एंड न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड बाय प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम साइड, presence of electron in the same side, और इस electron को बोलते हैं F center. F center. F का मतलब होता है farb. German word means color, imparting color. German word है means imparting color. Anion vacancy का मतलब क्या है? Anion हट गया है, जैसे Cl minus हट गया और उसके क्या आ गया? ये electron आ गया. Cl minus हट गया, उसके electron आ गया. तो ये anion vacancy defect है. सही ना? ये क्या है? Anion vacancy defect. This type of defect is caused by This type of defect is caused by removal of anion from the lattice side and the neutrality is maintained by presence of electron in the same lattice side. Presence of electron in the same lattice side. समझ आया कि नहीं ये? और इस electron की वजह से ये crystal क्या होगा? Paramagnetic. इस electron की वजह से ये crystal क्या होगा? Paramagnetic. और ये electron को हम क्या बोलते हैं? F center. This electron is also called as F center. F means farb. German word means color, imparting color. जर्मन वर्ड मींस इंपार्टिंग कलर, तो मतलब समझ आ गया इसका कि नहीं? एनायन वैकेंसी का पैरामैग्नेटिक, हाँ ये क्रिस्टल पैरामैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब समझ आ गया कि नहीं ये? हाँ सर। तो इसका जो क्वेश्चन बोर्ड में आना है वो ऐसे नहीं, थ्योरी नहीं आती इसकी कभी भी, ये वाली थ्योरी नहीं आएगी इसकी कभी भी। क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाई कॉमन सॉल्ट अपीयर्स येलो समटाइम, क्वेश्चन इस फॉर्म में आना है, कॉमन सॉल्ट यानी NaCl, कॉमन सॉल्ट अपीयर्स येलो समटाइम। तुमने देखा होगा, अगर अभी तो नहीं होता वैसे,
पुराने नमक जब होते थे ना, तो जब लंबे समय तक पड़े रहते थे तो अपने आप ही येलोइश कलर आ जाता था उनके, येलो समटाइम्स. व्हाई कॉमन सॉल्ट अपीयर्स येलो समटाइम्स, एक ये पार्ट. या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन NaCl इज हीटेड इन सोडियम वेपर, व्हाट हैपेंस व्हेन NaCl इज हीटेड इन सोडियम वेपर्स. एक तो तुम याद कर लोगे कलर, NaCl का कलर क्या है, येलो. ये याद कर लोगे NaCl का कलर क्या है, येलो. ये भूलना ही नहीं बिल्कुल भी. NaCl का येलो है और KCl का वायलेट है. KCl इसका कलर है वायलेट और LiCl है पिंक. ये तीनों क्वेश्चन आते हैं, तीनों के तीनों. एक मैंने तुम्हें बता दिया है ऐसे ही. इसका क्वेश्चन यहाँ क्या बनेगा नीचे, व्हाट हैपेंस व्हेन LiCl इज हीटेड इन लिथियम वेपर्स, LiCl इज हीटेड इन लिथियम वेपर, तो पिंक कलर का हो जाएगा. या व्हाट हैपेंस व्हेन KCl इज हीटेड इन पोटेशियम वेपर, KCl इज हीटेड इन पोटेशियम वेपर. समझ आया कि नहीं, KCl इज हीटेड इन पोटेशियम वेपर, तो कौन सा कलर आ जाएगा इसका. समझ गया कि नहीं ये. हाँ सर. तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, KCl वायलेट, LiCl पिंक, NaCl येलो. तो इसका आंसर सुनेंगे अब. जैसे ही हम NaCl के क्रिस्टल को, वो ऊपर थ्योरी वही वाली है सेम जो मैंने बताई ना, थ्योरी वही लिखी है. जैसे ही हम NaCl के क्रिस्टल को हीट करेंगे सोडियम वेपर्स के प्रेजेंस में, यानी इस क्रिस्टल के ऊपर जो है सोडियम के वेपर्स हैं, एक तरह से वो नेबरिंग में आ गए. तो इस क्रिस्टल को हम हीट करें सोडियम वेपर्स के प्रेजेंस में, तो कुछ Cl नेगेटिव आयंस डिफ्यूज कर जाएंगे अपने सरफेस से. बहुत ध्यान समझना इसको. तो कुछ Cl- आयंस डिफ्यूज कर जाएंगे अपने लैटिस साइड से, जैसे ये हट गया या ये हट गया, कोई भी हट जाएगा. कुछ Cl नेगेटिव अपने या ये हट गया इस तरीके से, इसको रहने दो. तो कुछ Cl- अपने लैटिस साइड से हट जाएंगे और वो अब फोर्स करेंगे सोडियम के वेपर्स को. इसके ऊपर क्या थे, सोडियम के वेपर्स थे, तो अब वो Cl- है तो उसको क्या चाहिए, Na+. इसलिए वो सोडियम वेपर्स को फोर्स करेगा टू लूज इलेक्ट्रॉन. सोडियम जो है वेपर, सोडियम के वेपर से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे. अब वो Na+ के साथ Cl- जो इन लैटिस साइड से बाहर निकले हैं वो कंबाइन कर जाएंगे, NaCl बन जाएगा. और ये इलेक्ट्रॉन जो सोडियम वेपर्स ने लूज किया है वो इलेक्ट्रॉन वहां आ जाएगा जहां पे Cl- था. और इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, एफ सेंटर. इन्हीं की वजह से कलर आता है येलो. समझ आया कि नहीं, इनकी वजह से कलर आता है येलो. समझ आया कि नहीं ये. नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर, आ गया समझ. देखो दोबारा सुन लेंगे एक बार. व्हेन कॉमन सॉल्ट इज हीटेड इन सोडियम वेपर्स, व्हेन कॉमन सॉल्ट इज हीटेड इन सोडियम वेपर्स, देन सम ऑफ Cl नेगेटिव आयंस मे डिफ्यूज फ्रॉम द सरफेस, देन सम ऑफ Cl नेगेटिव आयंस मे डिफ्यूज फ्रॉम देयर सरफेस एंड विल फोर्स सोडियम टू लूज इलेक्ट्रॉन, या एंड विल आयनाइज सोडियम, एंड विल आयनाइज सोडियम. Electrons which is lost by sodium vapors will occupy the same place which is left vacant by Cl- ions, which is left vacant by Cl- ions. ये तो हो गया important यहाँ पे. और इन electrons को हम क्या बोलते हैं, electrons, यहाँ ध्यान सुनना, F center की definition. F center की definition, what are F centers, ये भी आता है. Electrons which are entrapped, जो आते हैं, जो ट्रैप हो जाते हैं, विच आर एंट्रैप्ड इन द एनायन वैकेंसीज. इलेक्ट्रॉन्स विच आर एंट्रैप्ड इन द एनायन वैकेंसीज आर कॉल्ड एज, आर कॉल्ड एज एफ सेंटर्स, बिकॉज दे आर यूज फॉर इम्पार्टिंग कलर, एंड दिस इज ओनली यूज फॉर इम्पार्टिंग कलर. और ये अब ये जो क्रिस्टल है वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए. अब ये क्रिस्टल हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ गया है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. कोई डाउट किसी को यहाँ पे, चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो. तो नहीं है डाउट, समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं. Yes. तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन सॉल्ट अपीयर्स येलो समटाइम्स, नमक क्यों पीला हो जाता है कई बार, या व्हाट हैपेंस व्हेन
NaCl और LiCl और KCl is heated in sodium, lithium या potassium vapors. तीनों तरह से क्वेश्चन बन सकता है. तो ये एक हमने नॉन सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में एक हमने पढ़ लिया क्या एनायन वैकेंसी. अब दूसरा पढ़ेंगे प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन. प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन क्लियर. सेकंड प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन नॉन सोशियोमेट्रिक के अंदर. प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन सही ना. प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन. तो प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन के अंदर ध्यान देंगे प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन. नाम से भी लग रहा है कि कैटायन एक्स्ट्रा आ जाएगा. कैटायन एक्स्ट्रा आ जाएगा. न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन आना पड़ेगा ऑपोजिट इंटरस्टीशियल साइट. ऑपोजिट इंटरस्टीशियल साइट में एग्जांपल मैं वही लूंगा जो जिससे क्वेश्चन बन सके. जैसे मैंने लिया इसमें क्वेश्चन क्या आना है व्हाई ZnO अपीयर्स येलो ऑन हीटिंग. ZnO वैसे व्हाइट होता है. ZnO जो है जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल ये होता है व्हाइट होता है लेकिन गर्म करोगे तो येलो हो जाता है. व्हाइट है कोल्ड में और हीट किया तो येलो. तो जिंक 2 प्लस आयंस है O2 माइनस जिंक 2 प्लस इस तरह से O2 माइनस इस तरह से पूरा क्रिस्टल है. O2 माइनस जिंक 2 प्लस O2 माइनस जिंक 2 प्लस ये पूरा कंटिन्यूड है पूरा क्रिस्टल. ये पूरा क्रिस्टल ऐसे बना हुआ है. जैसे ही हम ZnO को हीट करेंगे प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन बता रहा हूं मैं. This defect is caused by presence of cation in the interstitial site and the neutrality is maintained by presence of electron in the opposite interstitial site. Presence of electron in the opposite interstitial site. देखो, जैसे ही मैं ZnO को हीट करूंगा, ZnO क्रिस्टल को हीट किया, तो Zn2+ plus half O2 plus 2 इलेक्ट्रॉन आएगा. Zn2+ plus half O2 plus 2 इलेक्ट्रॉन आएगा. कोई डाउट यहाँ पे किसी को? नहीं सर. ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है याद होनी चाहिए. बोर्ड वाले बच्चे जो जिनको बोर्ड का पता है उनको तो रटी होनी चाहिए क्वेश्चन. इसके बिना मार्क्स ही नहीं मिलना कोई. ZnO की क्रिस्टल को हीट करेंगे तो Zn2+ बनेगा प्लस हाफ O2 बनेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो Zn2+ आ गया यहाँ पे. न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया यहाँ आ गया कहीं भी लगा दो इलेक्ट्रॉन. ये कंटिन्यू है क्योंकि यहाँ गए इलेक्ट्रॉन्स. न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ गए. तो ये पूरा क्रिस्टल कंटिन्यूड था. ZnO के क्रिस्टल को हीट किया Zn2+ यहाँ गया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और इसी इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या आता है ZnO क्या हो जाता है येलो. इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये क्या हो जाएगा येलो हो जाएगा. Zn2+ ऑक्यूपाइज वन ऑफ द इंटरस्टीशियल साइट and neutrality is maintained by presence of electrons in opposite interstitial sites and because of these electrons ZnO appears yellow on heating in electrons ki wajah se ZnO jo hai yellow ho jayega heat karne par. samajh aaya ki nahi ye question likh ke aani hai aur ek line jo maine boli hai wo likh ke aani nahi clear hua sir wali line repeat kar do. मैंने बोला ना कि जैसे ZnO को हीट किया Zn2+ occupies one of the interstitial site and the neutrality is maintained by presence of electron in the opposite interstitial site and because of these electrons ZnO appears yellow on heating समझ आया कि नहीं है? हाँ सर. चलो नेक्स्ट अब है ये क्वेश्चन. अच्छा इसमें कैटायन एक्सेस में कैसे हुआ ये वास्ता कोई कैटायन एक्सेस इसी ZnO क्रिस्टल को तो मैंने हीट किया है Zn2+ कैटायन एक्सेस में कैसे हो गया. एक्स्ट्रा कैटायन क्यों बोल रहे हैं इधर बताओ सोच के बाद इसको एक्स्ट्रा कैटायन क्यों बोल रहे हैं. क्योंकि अनायन से ज्यादा कटायन आ गया एक एक्स्ट्रा कैसे बताओ सोच के बाद
सर हीट करने पे O2 ऑफ निकल रहा है. हाँ तो बोलो. बहुत अच्छे विदित, बिल्कुल करेक्ट आंसर है. यहाँ पे दिखा तो हुआ है क्लियर, O2 गैस बन के उड़ गया, एनायन हट गया ना, तो कैटायन तो एक्सेस हो ही जाएंगे. बहुत अच्छे विधि. ये एस्केप कर जाएगा कि नहीं, ये O2, कोई भी O2 माइनस, ये वाला O2 माइनस मान लो या ये वाला O2, कोई भी O2 माइनस मान लो, ये तो एस्केप कर गया ना, तो नेचुरल सी बात है कैटायन एक्सेस में हो जाएगा इसी वजह से. नहीं समझ आई बात? अब भी आया समझ की नहीं? ये इसलिए एक्स्ट्रा कैटायन बोला है क्योंकि O2 बीइंग गैस विल एस्केप आउट, वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाएगा, ये गैस की फॉर्म में एस्केप कर जाएगा, इस वजह से इसको हमने एक्स्ट्रा कैटायन बोला. नहीं समझ आया? समझ आ गया कि नहीं? ये यस सर आ गया. तो ये कर लेना क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है. दो क्वेश्चन बताए हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन स्टोइकोमेट्रिक में. न्यूमेरिकल तो है ही सबसे इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी क्वेश्चन अब तुम कर सकते हो सारे, न्यूमेरिकल तो है ही सबसे इंपॉर्टेंट. ज्यादा इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉमन सॉल्ट इज हीटेड इन सोडियम वेपर, दूसरा क्वेश्चन व्हाई ZnO अपीयर्स येलो ऑन हीटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये हमारा हो गया मेटल एक्सेस में, मेटल एक्सेस में हमारा एनायन वैकेंसी हो गया, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन. अब आ गया मेटल डेफिशिएंसी, ये मैं पढ़ा चुका तुम्हें, मेटल डेफिशिएंसी ये मैं पढ़ा चुका हूँ. मेटल डेफिशिएंसी ये कैसे आता है, अभी बताया था पीछे, कोई भी क्रिस्टल ले लो, जैसे मैंने सीयू प्लस ले लिया, इस बार सीयूओ ले लिया, सपोज क्या ले लिया, सीयूओ, तो उसके अंदर फॉर्मूला आ गया इसका, सीयूओ के अंदर सीयूटूओ लिया मैंने सपोज, इसमें फॉर्मूला आ गया सीयू1.9O, इसका मतलब क्या होगा, CU1.9O का मतलब क्या होगा? निकालो इसमें परसेंटेज ऑफ सीयू प्लस, क्या परसेंटेज आएगी सोच के निकालो जल्दी.
चलो निकाल लिया आंसर। देखो उधर CU2O था, हाँ कुणाल देखा है मैंने तेरा, CU2O था और CU1.9O बन गया। इसका मतलब यहाँ पे स्टेट क्या है अभी, 2x-2=0 है, x क्या आ गया +1, प्लस वन वाले थे कॉपर, प्लस वन वाला था, O2 माइनस वाला था। मैंने पीछे एग्जांपल क्या ली थी, हाँ सही है, हाँ सही है विधि, x आया प्लस वन और अभी इधर x क्या आएगा, चेंज आएगा, नेचुरल सी बात है। Cu प्लस वन वाले कम कब होंगे, जब जैसे Cu प्लस था कोई भी Cu प्लस था, तो दो Cu प्लस हटाए मैंने और एक लगा दिया Cu2 प्लस, एक क्या लगा दिया Cu2, तभी तो Cu कम होंगे, तो इसलिए तो 1.9 आया है। तो ये कितनी परसेंटेज है Cu प्लस की वो निकालना है अगर, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा, मान लिया मैंने Cu प्लस है x, तो Cu2 प्लस कितने हो जाएंगे y, तो x प्लस y कितना आ गया 1.9, और टोटल चार्ज नेगेटिव वाला है -2 का, तो पॉजिटिव का हुआ +2 का। टोटल चार्ज नेगेटिव वाला +2 का कैसे है और -2 का कैसे है, क्योंकि O एक है -2, तो टोटल प्लस कितना होगा +2, तो ये आएगा x इंटू 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 इंटू y, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 2। सॉल्व कर लेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा इससे, सही ना, आया समझ कैसे करना है। इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, 2x-x, x आ जाएगा 2y, वाई जाते समझ गया कि नहीं कैसे करना क्वेश्चन, ये y आ जाएगा 0.1, तो सॉल्व कर लेना इसको। तो मेटल की डेफिनेशन डिफेक्ट समझ आ गया, ये डिफेक्ट कहाँ पे आएगा, दिस डिफेक्ट अराइजेस इन जनरली ट्रांजिशन मेटल्स विच शो वेरिएबल वैलेंसी, जैसे कॉपर ट्रांजिशन मेटल, आयरन ट्रांजिशन मेटल, निकल ट्रांजिशन मेटल, इसीलिए मैंने जो वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकते हैं +2, +3, +1, +2 इस टाइप से। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइजेस जनरली इन ट्रांजिशन मेटल्स विच शो वेरिएबल वैलेंसी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज जनरली फाउंड इन ट्रांजिशन मेटल। आगे समझ के नहीं, बिकॉज दे कैन शो वेरिएबल वैलेंसी, आगे समझ के नहीं है। yes. चलो अब नेक्स्ट आ गया हमारे यहाँ पे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट तो ये दो में था, इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल, इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल कोवेलेंट क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल में कैसे, आयनिक क्रिस्टल में कैसे होगा, जैसे अभी मैंने लिया NaCl का क्रिस्टल, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं Na+Cl- 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 Na+Cl-, ये Na+ हटा, और एक क्या आ गया Sr+2 या Ca2+, या तीन Na+ हटाओ एक Al+3 लगा दो, सही ना। तो ये आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल में जैसे पहले मैं क्या कर रहा था, दो Fe2+ हटा रहा था और तीन Fe2+ हटा रहा था और एक Fe3+ लगा रहा था, अब क्या कर रहा हूं मैं, आयन ही चेंज कर रहा हूं, पहले आयन कौन सा था Na+, अब कौन सा हो गया Sr+2, आयन ही चेंज हो गया यहाँ पे, समझे कि नहीं, यहाँ पे क्या चेंज हो गया, आयन ही चेंज हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये है इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल, क्लियर, दिस इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल, ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल है, दो Na+ हट गए और एक Sr+2 आ गया, या तीन Na+ हट गए एक Al3+ आ गया, दिस इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल। तो इसमें न्यूमेरिकल नोट करेंगे जल्दी से, आंसर बताएंगे इसका, 1 मोल ऑफ NaCl या NaCl इज डोप्ड विद, नोट करेंगे, NCERT का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है, IIT मेंस में, बोर्ड में, हर जगह आया हुआ है क्वेश्चन ये, NaCl इज डोप्ड विद, डोप्ड मीन इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, इज डोप्ड विद 10^-3 mol% SrCl2, कैलकुलेट कंसेंट्रेशन कह लो या नंबर, कंसेंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज, कंसेंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसीज। तो इसमें आंसर हर कोई बता देता है क्योंकि उलट लेते हैं, इस तरह से क्वेश्चन करना है, थ्योरी नहीं लिखी प्रॉपर तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इसे करो इसे क्वेश्चन को, एक बार SrCl2 के साथ और एक बार
AlCl3 के साथ, दोनों के साथ करो क्वेश्चन। सर 10^-5। चलो देखेंगे वंश, तेरा 10^-5 आया ना? यस सर। चलो देखते हैं एक बार। देखो NaCl जोड़ विद 10^-3 मोल परसेंट SRCl2 है, 10^-3 मोल परसेंट SRCl2 है, ध्यान देंगे। इसका मतलब क्या है कि 10^-5 मोल ये डाला हमने SRCl2, एक मोल NaCl के अंदर, ध्यान समझना, एक मोल NaCl में, देखो मोल परसेंट है ना, यानी 100 मोल अगर NaCl था तो हमने 10^-3 मोल क्या डाल दिया, बहुत कम डाली इंप्योरिटी, 10^-3 मोल SRCl2, तो एक मोल में कितना डाला, 10^-5 मोल। नहीं समझाई बात, समझ आई बात कि नहीं है? बोलो किसी को डाउट है कोई? ध्यान रखो नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज इज इक्वल टू नंबर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SRCl2 एडेड। इसमें किसी को डाउट? अगर मैं एक SR+2 डाल रहा हूं तो एक वैकेंसी आई थी कि नहीं, पीछे मैंने बताया अभी, जितने SRCl2 डालेंगे उतनी वैकेंसी आएंगी कि नहीं, बोलो। हाँ सर। हाँ तो बस यही लाइन हो गया, SRCl2 में कितने डाले हैं, 10^-5 मोल, तो नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी या कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी कितना हो गया, 10^-5 × N₀, यानी 6.023 × 10^18 आंसर, 6.023 × 10^18 आंसर, समझ गए कि नहीं? ये सर एक SR2+ तो 2 Na+ को करेगा ना डिस्प्लेस, तो वैकेंसी एक जगह तो ये खुद आएगा ना, एक वैकेंसी तो आएगी, जैसे मान लो ये 2 Na+ थे, दोनों हट गए, तो एक में तो SR+2 आ गया ना, वैकेंसी तो एक ही आई, ठीक है सर आ गया। और अगर AlCl3 होता तो 2 वैकेंसी आती, हाँ तो आंसर 2 × ये, जो भी आंसर निकाला ना तुमने इसको × 2 और कर देते, क्योंकि तब 3 Na+ हटते, तीनों हट गए, एक क्या जाता है Al3+, 2 वैकेंसी आई एक से कि नहीं, एक से कितनी वैकेंसी आई, 2 वैकेंसी आई ना। यस सर। तो ये ध्यान रखना, सीट का समझ आ गया नंबरिकल कि नहीं है, इसको कर लेना जरूर नंबरिकल को, ये इंपॉर्टेंट है बहुत बोर्ड के लिए। अब है इंप्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट क्रिस्टल,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कोवेलेंट क्रिस्टल. जैसे सिलिकन का मैंने एक सेमीकंडक्टर लिया, सिलिकन इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंपरफेक्शंस भी आएंगी. सिलिकन का पूरा क्रिस्टल है ये, सिलिकन के मिलियन ऑफ एटम्स हैं इसके अंदर, हर एक सिलिकन चार बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि सिलिकन क्या होता है 284 ग्रुप का एलिमेंट है, हर एक सिलिकन क्या कर रहा है चार बॉन्ड बना रहा है. इसमें सारे बॉन्ड्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे कि बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा. तो इसलिए प्योर सिलिकन बिहेव्स ऑलमोस्ट लाइक एन इंसुलेटर. कोई डाउट किसी को? प्योर सिलिकन एक इंसुलेटर का ही काम करेगा. प्योर सिलिकन बिहेव्स ऑलमोस्ट लाइक एन इंसुलेटर. तो इसमें जब सिलिकन इंसुलेटर का ही काम कर रहा है तो इसमें तो कोई कंडक्शन नहीं होगा. जैसे ही मैं मिलियन ऑफ सिलिकन एटम्स के अंदर देखो, कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन लेड, ये ग्रुप 14, और ये ग्रुप 15 नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ ग्रुप 15, और ग्रुप 13 में आ गया बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम. जैसे ही मिलियन ऑफ सिलिकन एटम्स के सिलिकन के एटम्स हैं या जर्मेनियम के एटम्स हैं, प्योर सिलिकन ऑलमोस्ट लाइक एन इंसुलेटर. जैसे मिलियन ऑफ सिलिकन एटम्स के अंदर मैंने एक फास्फोरस की, सिर्फ एक कह रहा हूं मैं, ओनली वन फास्फोरस की इंप्योरिटी डोप कर दी, ऐड कर दी, डोपिंग कहते हैं इसको, एडिशन ऑफ इंप्योरिटी टू ए प्योर सेमीकंडक्टर, एडिशन ऑफ इंप्योरिटी टू ए प्योर सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, टू एनहेंस इट्स प्रॉपर्टीज. तो मैंने जैसे ही एक प्योर सिलिकन के अंदर एक फास्फोरस का एटम ऐड कर दिया, तो फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस, पता है ना 285 होता है ये, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास एक्स्ट्रा है वो है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कई बार ये इस तरह से ये एटम को पुश करेगा. मान लिया मैंने ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटके यहां पे आ गया, एक मिनट, यहां आ गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन हटा यहां से यहां पे आ गया, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो था ना ये वाला, ये मूव कर रहा है, यहां आ गया, फिर ये यहां आ गया, फिर ये यहां आ गया, फिर यहां आ गया, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया. ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया कि नहीं? एक एटम आने से, जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था उसके आने से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो गया कि नहीं? बोलो. हाँ सर, हो गया. हाँ, तो ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो आया इससे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो गया. और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो ये अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब कहाँ मूव करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, इधर की तरफ जाते जाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमने लग जाएंगे कि नहीं? ये ऐसे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो कंडक्शन स्टार्ट हो गया सिलिकन के अंदर. तो इस तरीके से एक फास्फोरस के एटम ने सिलिकन को, जो कि एक इंसुलेटर था, क्या बना दिया? एक कंडक्टर बना दिया. और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, इसीलिए अब इस सिलिकन को हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर. क्या बोलेंगे? एन टाइप. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, नेगेटिव का एन ले लेना, एन टाइप सेमीकंडक्टर. समझ आया कि नहीं? है सर, इसकी वो स्टेटमेंट आप लिखवा दो, समझ तो आ गया. लिखी समझ आ गया ना? स्टेटमेंट मैं खुद लिखूंगा, मैं एक बार मैं बोल देता हूं जल्दी से, बाद में नोट कर लेना. क्या स्टेटमेंट? क्या इसकी? व्हेन ग्रुप 14 एलिमेंट्स लाइक सिलिकन और जर्मेनियम आर डोप्ड विद ग्रुप 15 एलिमेंट्स लाइक फास्फोरस और आर्सेनिक, आर डोप्ड विद ग्रुप 15 एलिमेंट्स लाइक फास्फोरस और आर्सेनिक व्हिच कंटेन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, then they occupy some of the lattice sites, then they occupy some of the lattice sites in the silicon crystal or germanium crystal, silicon or germanium crystal. 4 out of 5 electrons are used in the bond formation, 4 out of the 5 electrons of phosphorus are used in the bond formation with the neighboring silicon atom, with the neighboring silicon atom. 5th electron which is extra becomes delocalized, 5th electron which is extra is delocalized and increases the conductivity of this silicon or germanium, and will increase the conductivity of silicon or germanium after application of electric field. Since conduction is due to the presence of electrons, therefore n type semiconductor is formed. नहीं समझ आया? ये नोट कर लेना, बाद में. मैंने अभी जल्दी से बोल दिया है, बाद में नोट कर लेना इसको. ऐसे ही p type semiconductor सुन लेंगे. p type में क्या होगा? अब पॉजिटिव, अब फास्फोरस का ले लो एल्यूमिनियम,
सही ना, सिलिकॉन के एटम्स थे, एक आ गया एल्यूमिनियम का एटम, सिलिकॉन के हैं हर जगह एटम, मिलियन ऑफ सिलिकॉन एटम्स हैं, एक एटम या दो एटम इस तरह से बहुत कम। तो सिलिकॉन एल्यूमिनियम के पास होते हैं हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन, तो तीन इलेक्ट्रॉन है तो दो तीनों नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। लेकिन यहाँ पे अब सिलिकॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो होगा, अब इसके पास खाली जगह है, इसका क्या है एल्यूमिनियम खाली जगह, वेकेंट पी ऑर्बिटल है, एल्यूमिनियम क्या है वेकेंट पी ऑर्बिटल। तो क्या होगा इसमें, अब कहीं और से इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया वो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ होल आ गया, यहाँ होल आ गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा वो यहाँ आ गया तो यहाँ पे होल आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा वो यहाँ आ गया तो यहाँ होल आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे अब ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में हमने ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को ऐड किया, तो उससे क्या होगा, अब यहाँ पे होल्स का मूवमेंट हो रहा है, होल्स का किसका, होल्स का मूवमेंट हो रहा है, और होल होता है सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, होल क्या है इट इज अ सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव मींस पी टाइप, तो पी टाइप सेंटर बनेगा। क्वेश्चन पेपर में यही आना है कि सिलिकॉन के अंदर मैंने डाल दिया अगर एल्यूमिनियम तो कौन से टाइप का सेंटर बनेगा, ग्रुप 13 डाल दिया तो पी टाइप बनेगा, ग्रुप 15 डाल दिया तो एन टाइप बनेगा, यही क्वेश्चन आना है। जर्मेनियम डोप्ड विद आर्सेनिक कौन सा बनेगा, एन टाइप। पर साइज को थोड़ा देखते हैं, मतलब तुम सिलिकॉन में बोरोन डालोगे तो साइज का थोड़ा सा मैटर होता है, तो इसलिए उसी से डोप करेंगे जो लैटिस साइड में फिट हो सके, कई बार ऐसा पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। तो इसमें भी क्या बोलेंगे, इसमें भी एक बार जल्दी सुन लेंगे, क्या बोलेंगे इसके अंदर, व्हेन सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड विद ग्रुप 13 एलिमेंट्स लाइक बोरोन एल्यूमिनियम और गैलियम विच कंटेन थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, विच कंटेन थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देन क्या होगा थ्री नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग, फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल बी मिसिंग विच दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन होल, फोर्थ इलेक्ट्रॉन विच इज मिसिंग इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन होल और इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए नेबरिंग एटम कैन कम एंड फिल द इलेक्ट्रॉन होल, कैन फिल द इलेक्ट्रॉन होल बट इन डूइंग सो इट वुड लीव ए इलेक्ट्रॉन होल एट सम एट इट्स ओरिजिनल पोजिशन, वहां पर ओरिजिनल पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन होल आ जाएगा, इस तरह से दिखाना तुम्हें पूरा, इस तरह से तुम थोड़ा एक्सप्लेन करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे, सही ना।